हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं बहुत दिन से वीडियो पोस्ट नहीं करी हूँ क्योंकि मैं घूमने गई थी। मेरा जो अलग जो चैनल है द बॉन्ग पैट्रिक, और उसमें मैंने सभी वीडियो डाले हैं कि मैं कहाँ गई थी। एक्चुअली मैं मेरे मायके गई थी बहुत दिन के बाद, तो वहाँ पर जाकर मैं घूमने गई थी। और वहाँ जाकर हमने वहाँ पर जो फिश और जो भी है, मतलब जो भी मिलता है वो बनाया था। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो आपके लिए भी बनाना जाए, तो इसीलिए हम वहाँ पर झटपट बिरयानी बनाए थे। वहाँ पर तो सब नहीं मिला ना, तो इसीलिए थोड़ा सा मतलब बिरयानी जो ट्रेडिशनल वे में बनाते हैं वो नहीं बनाया, लेकिन इजीली कैसे बनाना जाए ये मैंने जरूर दिखाया है। खाने मतलब टेस्ट में भी बहुत ही अच्छा था, और यहाँ सी बीच में बहुत एंजॉय कर रहे थे मैं और मेरी बेटी, मेरे हस्बैंड भी साथ में थे। तो आप लोग अगर मेरे ये वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको बॉन्ग पैट्रिकोर में जाना पड़ेगा। और चलिए झटपट बिरयानी कैसे बनाते हैं वो फिर से देख लेते हैं। यहाँ बाजार में सभी फिश मिलता है, शी फिश बहुत ही अच्छा मिलता है। और ये फिश देखकर हम वह 3 दिन रहे थे तो बहुत सारे फिश बनाए। और यह पर जो फिश है ना बहुत ही सस्ते है, तो फिश देखकर ही हमें मतलब बनाने का इच्छा कर गए। और ये क्रैब भी बहुत मिलता है, तो क्रैब हमने नहीं खाया है, जो शी फिश है वही ज़्यादा खाया। और जो बिरयानी बनाए हैं, चलिए वो बिरयानी का रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। बाजार यहाँ पर बहुत ही अच्छे है, बहुत ही अच्छा सब्जी मिलता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये बहुत ही इजी वे में है, कोई भी मतलब बना सकते हैं ये बिरयानी, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा है। जैसे भी बनाना जाए टेस्ट अच्छा है। यहाँ पर मेरे हस्बैंड मुझे हेल्प कर रहे हैं और मैं पहले बेरस्ता बना रही हूँ। यहाँ पर सभी मतलब जहाँ पर हमने घूमने गए थे यहाँ पर सभी मिलता है, सभी चीज़ आप रेंट पे मिल जाएगा, और ये कढ़ाई गैस स्टोव सभी मिल जाता है। तो हमने ये रेंट पे लिया है, तो उसके बाद बेरस्ता बनाने के बाद हमने पोटैटो को फ्राई कर लिया। पोटैटो फ्राई हो जाने के बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लिया, और उसके बाद हमने 4 एग को बॉयल कर लिया है। एक बॉईल हो जाने के बाद हम यहाँ पर ऑनियन को फ्राई कर रहे हैं क्योंकि चिकन को बनाना है पहले। तो यहाँ पर हमने 1 किलो चिकन लिया है, तो उसके लिए हम यहाँ पर 5 बड़े साइज का ऑनियन लिया है। तो ऑनियन को थोड़ा सा फ्राई कर ले, उसके बाद हम यहाँ पर अदरक और जिंजर ये ग्रेट करके लिया है। आप घर पे है तो पेस्ट करके ले सकते हैं। यहाँ पर हमें मिक्सर ग्राइंडर तो नहीं मिला है, इसीलिए हम ग्रेट करके लिया है। और 2 टोमेटो दिया है, तो इसको अच्छे से मसाले को भुनेंगे। मसाला हो जाने के बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे चिकन। ये मैंने पहले नहीं दिखाया है, इसके लिए माफी चाहती हूँ, क्योंकि चिकन को मैंने दही से 2 घंटे के लिए मैरिनेट करके रखा था। एक्चुअली घर पे हम जब वीडियो बनाते तो ठीक ठाक से बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर इतना मतलब पॉसिबल नहीं है, इसीलिए सब दिखाना मतलब मुश्किल है। तो दही से आप चिकन को मैरिनेट कर लीजिए पहले, तो चिकन अच्छी तरह से वो सॉफ्ट हो जाएगा। तो इसके बाद हम चिकन को मसाले के साथ एक साथ मतलब मिक्स कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर एक एक करके मसाला ऐड करेंगे। पहले हम ऐड करेंगे चिली पाउडर। उसके बाद हम ऐड करेंगे क्यूमिन पाउडर, थोड़ा सा ही क्यूमिन पाउडर ऐड करना है, 1 टीस्पून।
बहुत अच्छी तरह से मसाले को मिलाना है और इसको मतलब फ्राई करते जाना है। और ये पानी थोड़ा सा भी नहीं देना है। देखिए आसपास से ऑयल छोड़ने लगा है। अभी थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे हम और उसके बाद जो दही था वो दही को फेंट कर हमने दे दिया। ये 50 ग्राम दही, ये 100 ग्राम, सॉरी 100 ग्राम दही हमने लिया था। 50 ग्राम हमने मैरिनेट करके रखा था और 50 ग्राम हमने बाद में ये चिकन में लास्ट में दे दिया। चिकन तो पूरा रेडी हो चुका है। राइस को भी हमने बना लिया है। राइस थोड़ा सा आगे भिगो कर रखना है चावल को, और उसके बाद अच्छी तरह से राइस को बना लेना है। राइस बनाना मैंने नहीं दिखाया, सब लोग जानते हैं राइस कैसे बनाते हैं। तो राइस बनाने के बाद हम यहाँ पर वो हंडी में एग दे रहे हैं, पहले एग, बॉयल्ड एग जो था, उसके बाद जो फ्राइड पोटैटो था वो भी सजा लिया। थोड़ा सा हम ऊपर से सनराइज का बिरयानी मसाला जो है वो डाल रही हूँ। चिकन में भी मैंने थोड़ा सा बिरयानी मसाला डाले थे। उसके बाद हमने थोड़ा सा गुलाब जल मिलाया और अभी एक एक करके चिकन पीस हम डाल रहे हैं। अभी ऊपर से राइस का एक लेयर बनाना है। राइस का लेयर बनाने के बाद उसके बाद फिर से हम इसमें चिकन डालेंगे और फिर से ऊपर से लेयर कर देंगे। और लेयर हो जाने के बाद हमने यहाँ पर थोड़ा सा मीठा अतरा, 2-3 ड्रॉप डालने से ही हो जाता है, और उसके बाद थोड़ा सा रोज़ वाटर आप हाफ जो 1 चम्मच डाल देंगे तो ही चलेगा। मैंने यह ढक्कन में ही दे दिया, तो आप हाफ 1 चम्मच देंगे तो हो जाएगा। फिर उसके बाद हम ऊपर से बेरस्ता को दे रहे हैं। और बिरिस्ता देने के बाद नीचे एक पतीले में हम गरम जो पानी है वो उबालेंगे और उसके ऊपर ये हंडी को बिठा देंगे, तो नीचे से ये पक जाएगा, अच्छे तरह से ये पक जाएगा। 10 से 15 मिनट हम वो उबला हुआ पानी के ऊपर बिठा कर रखेंगे। तो मेरी ये झटपट बिरयानी आपको अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि मेरी अच्छी अच्छी रेसिपीज का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।